हिंदू संगठनों ने निकाली लव जिहाद की अर्थी। हरियाणा में हुई निकिता तोमर की हत्या मामले में आज मुरादाबाद में राष्ट्रीय बजरंग दल और कई हिंदू संगठनों ने लव जिहाद की अर्थी निकालकर कलेक्ट्रेट के सामने उसका अंतिम संस्कार करते हुए आग के हवाले किया। हरियाणा के बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हुई निकिता तोमर की हत्या को लेकर समाज में गुस्सा व्याप्त है, क्योंकि उसके परिजनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए मुकदमा भी दर्ज कराया है और सरकारों से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सजाए मौत का फैसला जल्द से जल्द आए। इस घटना के बाद से देश भर में हिंदू संगठनों में उबाल है। उन्होंने देश में लव जिहाद कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद में भी कई हिंदू संगठनों ने एक साथ आकर मुरादाबाद की सड़कों पर निकलते हुए लव जिहाद की अर्थी निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता अपने कंधों पर अर्थी लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और वहां बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए लव जिहाद कानून बनाने की मांग केंद्र और प्रदेश की सरकारों से की है। उसके बाद इन कार्यकर्ताओं ने अर्थी का अंतिम संस्कार भी कलेक्ट्रेट के सामने ही किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा लव जिहादियों के विरोध में अर्थी निकाली गई है और राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ओजस्विनी महिला परिषद के द्वारा देश की सरकार से कहा गया है कि लव जिहाद के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाएं। अरे आप तो संघ के स्वयं सेवक है, संघ की शाखाओं में हमेशा से लव जिहाद का बौद्धिक पिलाया गया है, आप जानते हैं लव जिहाद का षड्यंत्र क्या है। तब भी 6 वर्ष हो गए और 6 वर्षों में आज तक आप कानून नहीं बना पाए लव जिहाद का। निकिता जैसी बहनों की हत्याएं हो रही है देश के अंदर, हाथरस के अंदर हत्या हो रही है, फिर भी आप शांत हैं। देश की सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण के विरोध में सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज क्या कार्यक्रम था आपका? आज अंबेडकर पार्क से अर्थी लेकर और जिला कलेक्ट्रेट तक लेकर आए हैं, अर्थी फूकी है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सख्त कानून शीघ्र बने। इसका ज्ञापन किसको सौंपाया जाए? ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दे दिया गया है। राष्ट्रपति